मध्य प्रदेश में न्यूनतम वेतन एवं नियमितीकरण को लेकर श्रमिकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर आज प्रदेश भर में सैकड़ों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने भोपाल में बोर्ड ऑफिस चौराहे पर प्रदर्शन किया। न्यूनतम वेतन और नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदेश भर के आउटसोर्स कर्मचारियों ने भोपाल में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी भाजपा कार्यालय की तरफ बढ़ रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रोक लिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों में से 5 सदस्यीय दल को सीएम हाउस पहुंचाया, जहां उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने बताया कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो विधानसभा सत्र के दौरान पूरे प्रदेश में उग्र प्रदर्शन करेंगे। मध्य प्रदेश में ये जो अंशकालीन ग्राम पंचायत कर्मचारी है, जो हमारा क्लास 4 का कर्मचारी है, जो स्कूलों से लेकर पंचायतों से लेकर स्वास्थ्य विभाग से लेकर काम करता है, वह मध्य प्रदेश के जो सरकार का न्यूनतम वेतन है उससे भी वंचित है। 2000 4000 5000 में लोग काम कर रहे हैं। हम लोग ये मांग करने आए कि सरकार अपने ही विभागों में काम करने वाला ये छोटा कर्मचारी है क्लास 4 का, उसे सरकार के द्वारा तय जो न्यूनतम वेतन है वो मिलना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, मध्य प्रदेश में 20 साल से क्लास 4 क्लास 3 की जगह नहीं निकली है, इसलिए जितना भी ये कर्मचारी काम कर रहा है, आउटसोर्स हो, अस्थायी हो, अंशकालीन हो, इनको उनके विभागों में सम्मिलित किया जाए, इस मांग को लेकर हम यहाँ आए हुए हैं। एडिशनल SP महावीर सिंह मुज्जालदे ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों का एक दल हमने सीएम हाउस पहुँचाया है। इनकी एक सूत्रीय मांग है कि इन्हें सरकारी रेट पर वेतन दिया जाए, जिसको लेकर यह ज्ञापन सीएम हाउस में देंगे। यह कर्मचारी BJP कार्यालय की तरफ बढ़ रहे थे, जिन्हें समझाइश देकर रोका गया है। देखिए, मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों में आउटसोर्स के तहत के अंतर्गत जो भी कर्मचारी लगे हैं, उनकी बेसिक डिमांड ये कि उनकी सैलरी बढ़ाई जाए। अभी नियमितीकरण के लिए वो हल्ला नहीं कर रहे हैं, उनका डिमांड है कि हमारी बीच में तनख्वाह बढ़ गई थी, फिर कम हो गई, और हमारा जो न्यूनतम वेतन है वो मनरेगा का जो न्यूनतम है उससे भी कम चल रहा है, तो उसको कम से कम नियमित समय पर मिले। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।